हो गया। ओके okay। कली कहाँ चली? देखो इधर बच्चे, देखो इधर 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 आस पास कुछ चीजें आपको बता दो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 2019 से पूरा पेपर चेंज हो गया है, पैटर्न पूरा चेंज हुआ है ना, तो हमें पेपर का पैटर्न भी समझना बहुत जरूरी है। कैसे बदलाव आई, जैसे कुछ बच्चे कर आप लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो कुछ पुराने क्वेश्चन भी आपको मिल रहे होंगे है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आने भी नहीं है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये वेटेज वाइज दिया है यूनिट वाइज कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए थे। देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा 11th का टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो आपको मैं वेटेज दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, देखो और ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक, देखो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड जो हमारा 11th का टॉपिक है, ठीक है 11th का, यहाँ देखो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे 19 से देखो स्टार्ट करते हैं 2019 से। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखो यहाँ पे थे, 8 क्वेश्चन थे डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। अगर हम इसकी बात कर, देखो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड की बात करें इसमें कई चैप्टर, कितने चैप्टर, 4 चैप्टर पूरे। पहला कौन सा है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा कौन सा है बायो क्लास, तीसरा कौन सा है डार्क किंगडम, चौथा कौन सा है एनिमल किंगडम। इन चारों चैप्टर मिला के कितने क्वेश्चन आ रहे थे, देखो 8, 2019 में 8 क्वेश्चन, 2020 में 8 क्वेश्चन, 2021 में भी 10 क्वेश्चन, 2021 में और 2022 में क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे कम हो गए। 2021 में अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इसका वेटेज जो है 10 क्वेश्चन तक है मैक्सिमम। ठीक है, तो पहला चैप्टर काफी आसान है, आप देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बार क्वेश्चन का फासा कम थे देखो, और इस बार सिर्फ 7 क्वेश्चन आए थे। अगला देखो यहाँ पे हमारे पास, अगला हमारे पास है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है प्लांट एंड एनिमल, दूसरा जो हमारा यूनिट है। ठीक है, और दूसरे यूनिट में क्या क्या है बताओ जरा, पहला मॉर्फोलॉजी है, दूसरा है एनाटॉमी, और तीसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसका, हाँ एनिमल का है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2019 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मात्र 7 क्वेश्चन थे, फिर 7 क्वेश्चन फिर बढ़ गया देखो 11, 10 और 11 क्यों आपका रहता है, और 11 का मतलब क्या है, 11 चौके 44 यानी 44, 44 नंबर के आपको सिर्फ इसी टॉपिक से आपको मिल जाएगा। और देखो यानी कि अगर आप देखो तो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए है ना, और इस टॉपिक में फ्रॉग जो है हटा दिया गया है, फ्रॉग आपको क्या कर दिया, हटा दिया गया, अर्थवर्म आपको हटा दिया गया, तो टॉपिक काफी छोटा हो जाता है कि नहीं। दूसरा हमारे पास तीसरा वाला है उसको देखो, ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और आपको पता है कि इसमें कितने चैप्टर पूरे, 3 चैप्टर है, कितने 3 चैप्टर है, ठीक 3 चैप्टर है। पहला हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बायोमॉलिक्यूल, तीसरा सेल डिवीजन है ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले 2019 की बात करते हैं, यहाँ कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे 10, यानी कि इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये भी देखो यहाँ पे कि 2021 में 22 क्वेश्चन थे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सॉरी। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो वेटेज लगभग ये 12 क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है और यहाँ पे 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो सेल स्ट्रक्चर से तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और यहाँ देखो नंबर, तो क्वेश्चन यहाँ पे कम हुए हैं चैप्टर से और इस चैप्टर से। ठीक है, और अगला हमारे पास देखो जरा प्लांट फिजियोलॉजी, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बाद आपको यही यूनिट बचा है लास्ट में इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, और इसमें जरा देखो इस बार कितना 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 10 और 13 का रेशियो है, मतलब यही चलेगा 10 11 12 13 ऐसे चलेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, और 13 चौके 52 है ना, यानी 52 मार्क्स के आपको इसमें मिल जाएंगे। एक टॉपिक ये हो गया आपका अगर प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो, और आप एक टॉपिक ये आपका हो गया, करना तो सारे यही है अच्छे से, लेकिन इसमें कोशिश करेंगे एक भी लाइन आपका ऐसा ना जो आपको आना नहीं चाहिए। ठीक, अगला देखो हमारे पास क्या है, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये पढ़ा चुके हैं आपको, एक लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका है ना। और देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखो यहाँ पे 13 क्वेश्चन, 2019 की बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे,
तो आप देख सकते हो, देखो तो 11 से लेके 15 और 13 ये चलता रहता है, यानी कि 13 और 15 के बीच में रहेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ देखो, ठीक। और आप देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है, यहाँ 7 चैप्टर से आपको मिल रहे हैं 13 क्वेश्चन, ठीक। और प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर है, उसमें मिल रहे हैं आपको 13 क्वेश्चन, ठीक है, कितने 5, यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 चैप्टर, यहाँ आपको 13 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ 5 क्वेश्चन से 13 मिल रहा है, यहाँ पे 7 से मिल रहा है, ठीक है, ये आपका है 13 क्वेश्चन। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे, वो है हमारे पास कौन सा, देखो रिप्रोडक्शन का, कौन सा रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन अगर देखोगे तो रिप्रोडक्शन में बताया कितने चैप्टर, यहाँ पे 4 चैप्टर है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या बताया था, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो 4 आपके चैप्टर है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे पूरे 4 चैप्टर अगर हो जाए यहाँ पे, और 4 चैप्टर में अगर देखो तो मार्किंग कैसे दिया है, देखो 8 9 8 9, ये कम मान चलिए कि 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, किससे, रिप्रोडक्शन से। और यहाँ पे 4 चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर है, यहाँ से आपको 13 क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ से मात्र 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हम बताने पर्पस ये है कि जो टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग होगा कुछ करेंगे उसमें से हर चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, हर लाइन कोई भी लाइन ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको चीजें आनी चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। ये देखो ये हो गया यहाँ पे, तो उसमें से आपको थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे ये चैप्टर हो गया आपका, ये चैप्टर हो गया, ठीक, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पे प्लस आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास देखो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, देखो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की बात करें, बताया था आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन बच्चे, ये देखो सबसे सुपर हीरो है ये सुपरमैन, कितना 15 क्वेश्चन बच्चे, 15 13 15 पढ़ा हुआ देखो ये, और यही रहेगा आपका 13 15 और 15 चौके 60, यानी कि 60 नंबर के तो आपको यही मिल जाएगा 60 मार्क्स पे, है ना, है कि नहीं दमदार, आप याद करिए सबसे पहले मैंने आपको यही पढ़ाया था, है ना, और बताया भी था कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेनेटिक्स में बात करो तो जेनेटिक्स कितने चैप्टर है, मात्र 3 है, 3 चैप्टर है और 15 क्वेश्चन है। देखो नो डाउट कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर देखो तो चैप्टर मात्र 3 ही है, ये इकलौता चैप्टर है, यूनिट है जो कम से कम चैप्टर है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे बहुत टाइम देकर इसको पढ़ाया भी है। इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आना चाहिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ो, और कहीं कुछ प्रॉब्लम है कुछ कंफ्यूजन तो मुझसे फिर से डिस्कस कर लेना इसे मैं, और इन टॉपिक के मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने वाला हूँ, ठीक है, इसी के आप लगे रहेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सोचो यहाँ पे कि कितने हो यहाँ पे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है, और सबसे ज्यादा आपके पूरे 10 अभी कितने हो गए, 7 करा दिए हमने, अभी कितने बचे हैं, 3 यूनिट और बचा हुआ है, लेकिन इन 10 यूनिट में आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको यहीं से मिलेगा, कहाँ से, जेनेटिक्स, क्लियर, ये मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो और पीडीएफ तो मिल जाएगा। अब आते हैं यूनिट 8 पे, देखो यूनिट 8 की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या देखो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर कितने चैप्टर बताए इसमें, 3 है कि 4 है, 3 है इसमें, पर ह्यूमन हेल्थ डिजीज है पहला, दूसरा क्या है स्ट्रेटजी फॉर फूड मैनेजमेंट, तीसरा कौन सा है माइक्रोब्स, 3 चैप्टर है और 3 से मात्र 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ 9 क्वेश्चन भी रेशियो है, 4 से लेकर 9 का रेंज है, मतलब 9 भी आ सकता है इसमें, लेकिन प्रेजेंट टाइम आप देखो तो 5 6 4 ऐसे रहा है इसका, ठीक है। तो वेटेज आप देखा जाते हैं यहाँ पे काफी कम दिया जबकि होना चाहिए ज्यादा, देखो बायोलॉजी यहाँ पे आप देखो तो 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 9 क्वेश्चन मैक्सिमम आया है और यहाँ पे 4 है, यही ट्रेंड रहने वाला, देखो आगे। अगला हमारे पास देखो बायोटेक्नोलॉजी, कितने चैप्टर यहाँ पे है, स्कोरिंग कितना है, 2 चैप्टर से 8 क्वेश्चन आपको मिल रहा है और 3 चैप्टर से 15 क्वेश्चन मिल रहा है, तो अगर आप जेनेटिक्स और बायोटेक को मिला लो तो चैप्टर कितने हुए, 5, और क्वेश्चन कितने हुए, अरे बच्चे 15 और 8 कितने हो गए,
यानी कि पांच चैप्टर से 23 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, पांच चैप्टर या दो यूनिट से, मात्र दो यूनिट से कितना 23 क्वेश्चन मिल रहा है, लगभग 23 क्वेश्चन कितना आउट ऑफ 90 मेरे लाल है, जो छोड़ना उसकी बात क्यों करे, किसका इसका, अरे बात बता रहा हूं मैं, छोड़ना उसको छोड़ दो ना, करना तो 90 है ना आपको, कितना करना आपको 90 करना है उसमें, आप मान चलो कि आप इसी कर रहे हो, थोड़ा कहीं और से रहे हो, मैं कुछ ये मान लो आपको बता है? देखो तो कहने मतलब ये है कि रेशियो आपको ये रहने वाले हैं, तो कितने होंगे देखो यहाँ पे 23, तो काफी स्कोरिंग है, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे इसमें कितने देखो, और इधर सुनो देखो यहाँ पे 8 दिया लेकिन ये 10 क्वेश्चन भी आया हुआ है, 9 क्वेश्चन भी इससे आए हुए हैं, आपको याद करिए मैंने बताया कि जो जेनेटिक्स वाला है ये वाला टॉपिक, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट बताया था, और जो ये टॉपिक ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर, इधर बात नहीं करो हीरो पिट जाओगे अभी, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्लियर बात, मतलब ये बताने का है कि इस वाले टॉपिक से अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी जिसके समझ आए इंडिविजुअली मेरे से पूछ सकता सर ये मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद फिर हम पूछेंगे, हम पूछेंगे जानते क्या करें ना, मुर्गा बना के मुर्गी बना के टांग देंगे ऐसे, रोस्टेड जानते हो चिकन कैसे बनता है, चिकन रोस्टेड भट्टी में डाल के पूरा उसको जलाया जाता है ना, वैसे कर देंगे, मैं कुछ यहाँ देखो समझ गए, और सुनो इधर अभी तो पार्टी शुरू, यहाँ देखो 10 यूनिट सबसे लास्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कितने चैप्टर बताओ बच्चे, चार चैप्टर, लेकिन 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 देखो 12 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इकोलॉजी जेनेटिक्स और आपका बायोटेक इन चैप्टर पे पूरा कमांड आपका होना चाहिए, इसमें कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको, ऐसा नहीं कि कोई आपको समझ में ना आए, हर चीज समझ में आनी चाहिए, उल्टा बोल गया ना, ठीक है, मतलब हर चीज में आपको पता होना चाहिए, कहीं कुछ लग रहा है कि ये लग रहा है इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा छूट जाएगा, किसी को लगे लगता है इन तीनों यूनिट से, देखो कौन कौन सा, एक तो ये वाला, एक 7 नंबर, एक आपका 9 नंबर, और इधर 10 नंबर, इन तीनों में से कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको नहीं आना चाहिए, इसमें हर चीज आनी चाहिए, कंसेप्चुअली आनी चाहिए अच्छे से तैयार, क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमाए भी जाते हैं, जहां क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है इसमें प्लस का ट्विस्ट भी किया जाता है, बहुत ट्विस्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मल्टी ऑप्शन कर देंगे उतने हो जाएगा, इसको इससे मिलाओ फिर ऐसे मिलाओ, फिर कत्था करते रहेंगे इसे, ठीक इतना है और कुछ करेंगे नहीं इसमें, क्लियर, और अच्छी बात यह है कि मैचिंग में अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है तो दूसरा भी आप उसमें मैचिंग कर लेते हो, ऐसे भी लोग देते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि एक अथर्ड ऐसे नहीं करते, एक मिल जाएगा तो फिर आप उसमें गेस कर सकते हो, लगा सकते हो, अगर आपको एक मिल गया तो बाकी सब सही कर लोगे, क्लियर देखो बात नहीं करो तो ये इधर बात नहीं करो, कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर आपको तो आपको ध्यान रखना, तो हमने यूनिट बताई है, ये यूनिट कितने हो गए यहाँ पे 10 यूनिट, चैप्टर कितने हो गए बच्चे, चैप्टर हो गए 38, पूरा काउंट कर लेना, 10 यूनिट 38 चैप्टर है, ठीक है, जिनमें से पढ़ना तो सारे है ही हैं, खासकर जितनी जल्दी हो सके इकोलॉजी जेनेटिक्स जिनका छोटा छाटा है जिन निकल लिया बहुत अच्छा, ठीक है, और आपका ये बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों यूनिट को अच्छे से समझ के पूरा करो, क्योंकि स्कोरिंग सबसे ज़्यादा, खुद सोचो आप 23 क्वेश्चन ये थे और यहाँ लगभग आप 12 क्वेश्चन इधर ले लो, 23 दो कितना हो गया 25 हो गया, और 25 10 35 है ना 35 हो गया, तो 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छा खासा 3 यूनिट से 35 क्वेश्चन मिल रहा है डायरेक्ट, चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है और हल्के भी क्वेश्चन, क्लियर है, इसको अच्छे से फिर से करो, टाइम देके इसको निकालो, कोशिश ही करते रहो कि जब भी आपके पास टाइम हो, खाली टाइम में जब भी बस बैठते हो, जब भी आप बातचीत करते हो किसी से या ठीक है, तो आप इसको पलटते रहो, मैं कुछ देखते रहो बार बार देखते रहो, जब आप पूरा तैयार हो जाएगा, इसमें कोई किसी को बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, सर वो टचिंग हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमें हर से चेज के एक्सपेरिमेंटेशन में आया, हमें आर एन ए इंटरफेरेंस समझ नहीं आया, माया तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेटर समझ नहीं आया, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना जो आपके समझ में नहीं आना चाहिए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे मिस कर लेना, सर मुझे समझ नहीं आया मुझे बता दीजिए, बताने का पर्पज सिर्फ ये था, क्लियर हुआ, ये तो आप खुद देख लो ट्रेंड के हिसाब से देखो
यही ट्रेंड आगे भी रहने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे। माया, ये तो मैंने बताया कि अभी कितने चैप्टर है, कितने यूनिट है और कौन यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत कुछ जो आपको हम बताने वाले हैं, ये तो अभी पार्टी शुरू किया है। अभी मैं ये बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज से आया है, एनसीईआरटी के किस पेज से आया है कौन सा क्वेश्चन, ये भी मैं कराने वाला हूं अगले सेशन में, क्लियर, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या अगले लेक्चर में। यार अगले लेक्चर मतलब कल परसों, ठीक है, ये मैं करा लूंगा, इसको पूरा बन रहा है अभी, ये बन जाएगा मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं और कौन कौन से उस एरिया के आसपास जितने भी क्वेश्चन चीजें होंगी वो हम लोग देख लेंगे, अगर वहां पे आया तो उसके आसपास भी चीजें आ सकती है, तो आपका थोड़ा सा एक दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हाँ अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। तो पेज वाइज हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलो। तो बाकी आपको मैम से लेना, इसको पीडीएफ मिल जाएगा और अपने यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेना ताकि आपको इसका मैं पूरा बना दे दूंगा आपको, ठीक है। ये मैंने बायोलॉजी बताया है बट अदर सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा मैम से, ठीक, ले लेंगे, बहुत जरूरी है। और उसमें भी आपका है कि जो कितने क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एक्सरसाइज से कितने आए, क्वेश्चन कितने आए, एनसीईआरटी कितने आए हैं, सारे सारे, ठीक है, मिल जाएगा। नीट में सिर्फ बायोलॉजी देने जाओगे क्या, नीट में बायोलॉजी देने जाओगे, सारे देने जाओगे, तीनों को आपको मिल जाएगा, ठीक। हमारी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका तीनों अच्छे मजबूत हो, मेडिकल गार्डन तभी पहुंचोगे तीनों मजबूत होगा, यानी कि बायोलॉजी पढ़ लिए टॉप कर गए बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आप थोड़ा कर दिया कर दिया, वो नहीं करना है, सब में करो अच्छे से करो, ठीक है। तो मैं आपको वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये तो मैंने आपको बायोलॉजी बताया, या सर कर देंगे, सर से करवा लेंगे, ठीक है, चलो हो गया बच्चे, हो गया, कोई दिक्कत, और ये थोड़ा ले जरूर लेना, ठीक है, ताकि आपको मार्किंग रहेगा, स्कोरिंग पता रहेगा, ठीक है, और अच्छा होगा जब आपको हम उसमें क्वेश्चन वाइज और साथ साथ में उसके पेज वाइज बताएंगे, ठीक है, तो और आपको थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। आप इसके आगे करते हैं, इन तीनों यूनिट को खासकर इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, इस पर काफी फोकस करना अच्छे से, ठीक है, अभी भी टाइम बहुत है कि आप इससे अच्छा फोकस कर सकते हो, और क्वेश्चन गलत होगा तो यहीं से गलत होता है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, प्लस माइनस साथ साथ चलते हैं। देखो ये आपका खत्म हो गया, और इसके पहले के देखो मेरी बात सुनो, 18 से पूरा चेंज हुआ सिस्टम, है ना, इसके पहले के क्वेश्चन बहुत, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो उसको बहुत ज्यादा परेशान होने जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे नहीं समझ में आ रहा है, वैसे क्वेश्चन अब आने भी नहीं है, क्लियर हुआ। तो 2019 से नया पैटर्न चेंज हुआ है, इसको आप कोशिश करो कि 2019 से अभी तक का आप क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ये, ठीक है। बाकी का भी दे दूंगा आपको, ठीक है, ये किसमें होगा, ब्राउज़र में, यहाँ पे होगा, सॉरी, कहाँ तक थे हम लोग, हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है बताओ, विकास, विकास बताएगा, विकास से बात मत करो, बताने वाला है, बताओ विकास, व्हाट इज हार्मोन, हाउ कैन डिफाइन हार्मोन, जल्दी बोलो विकास, हार्मोन क्या है बच्चे, हार्मोन कहां से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से कि टिश्यू के कि ऑर्गन से कि सेल से, कहां से निकलता है, उठ दे जाओगे अभी, पढ़ाई नहीं करो आजकल, पढ़ाई करो बच्चे, कान सबसे निकल देगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकले, किसी को भ्रम तो हटा दे, ये सिर्फ ग्लैंड से, ग्लैंड से नहीं बल्कि टिश्यू से भी निकलेगा, ऑर्गन से भी निकलेगा और सेल से भी निकलेगा, उसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। तो दूसरी बात कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, लगुन बताओ, दिस इज डक्ट, होता है या नहीं होता, होती है, होता है, नाम बता दो उस डक्ट का, होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है, नहीं होता, ये डक्टलेस होती है, कैसे होती है, डक्टलेस होती है, आयुषी बताओ डिफिनेशन बताओ हार्मोन की, व्हाट इज हार्मोन, नॉन केमिकल, हाउ कैन से दैट दिस इज नॉन केमिकल, दिस इज बेसिकली 100% केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट, राइट, नॉन न्यूट्रिएंट है, पहला चीज दिमाग में रखना,
ये आप सोचो कि इस हार्मोन को हम खाना खा के डाइट से कवर कर लेंगे तो नहीं कर सकते, बस मैं इसको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिएंट, जो आपके खाने में ना मिले। आगे, वेरी गुड, दिस इज नॉट इंट्रासेलुलर, बिल्कुल गलत है, इंट्रा नहीं है बाबू, इंटरसेलुलर है। ये क्वेश्चन मैं दूंगा जरूर और नेट एनटीए वाले भी देंगे, मैं यही मैं कहलाना चाह रहा था, इंट्रासेलुलर अलग है, इंटरसेलुलर अलग है, इस सेल के अंदर काम नहीं करता, सेल के बाहर काम करता है, माया डिस्टेंट ऑर्गन पे, क्लियर हुआ? दिस इज बेसिकली, कोई गड़बड़ मत करना, इंटरसेलुलर, वाह, इंटरसेलुलर, दिस इज नॉट इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब होता है सेल के बाहर, क्लियर हुआ? गड़बड़ मत करना, नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर है, और बताओ बच्चे, ट्रेस अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे बताया था किसमें, कहां पढ़ा था आपने इसके बारे में, जहां पे इसकी यूनिट दी गई थी, और किस यूनिट में मेजर करते हैं इसको, नैनोग्राम में, किलोग्राम में नहीं, मिलीग्राम में नहीं, टन में नहीं, किसमें, माइक्रोग्राम में नहीं, किसमें, नैनोग्राम, इसको नैनोग्राम में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माया कोई दिक्कत हो गया, तीन लाइन ध्यान रखिएगा, हार्मोन कैसा है बच्चे, नॉन न्यूट्रिएंट है, खाने में नहीं मिलेगा, आप उसको खाना खा ले, आज बिरयानी खा लेते हैं, ये हार्मोन मिल जाएगा हमको, है कि नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरा, दूसरा क्या बताया हमने, ट्रेस अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट निकलता है, यानी कि नैनोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा, ये ऐड करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, मैसेंजर मैसेज को देने वाले, बस मैं कुछ इंटरसेलुलर है, इंट्रा मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं, अदरवाइज पाप पड़ेगा बहुत ज्यादा, कि हमने इतनी बार बोला तो आप लोगों ने गड़बड़ नहीं किया, गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो इंट्रा नहीं है, इंटर है। अब आते हैं इसके आगे, कहां तक थे, कहां गया बच्चा, ये है ना न्यूरल, ये तो है, अच्छा केमिकल है, सॉरी केमिकल है ना, चैप्टर नंबर 22, इसमें नहीं है क्या, क्रोम से जाना है, यहां देखता हूं जरा, होता था कहां होगा, क्रोम में, ट्वेंटी टू है, डाउनलोड किया नहीं क्या, मैं पीसी डाउनलोड कर, इसमें डाउनलोड नहीं किया क्या, ये पुराना मुझे लग रहा है, रुको, ओ कुछ चेंज भी किया गया ना, प्रभात ने किया नहीं लग रहा है, प्रभात ने डाउनलोड नहीं किया था क्या, पुराने किया था
ये वाले। ये वाला सारा काम करा लेंगे। अच्छा बताया, अब ये दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हो गया, मिशन कामयाब रहा। नहीं आ जाओ, ये चाह रहे थे यहाँ पे, इसको जो है अभी उसमें ट्रांसफर कर देना, ठीक है, फाइल में। देखो तो डार्क कलर किया है, इसमें एक पॉइंट गड़बड़ मत कर देना। हार्मोन कैसा, देखो नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है, साथ एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये बनता है, ठीक है। ये हमने करवा दिया था पूरा, क्यों ये हो गया था, और यहीं से स्टार्ट करना था पिट्यूटी। अब आते हैं पिट्यूटी पे, देखो बच्चे यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पिट्यूटी ग्लैंड की। कौन सा पिट्यूटी ग्लैंड, देखो जरा कुछ बातें यहां पे हम बता चुके थे आपको, और कुछ यहां पे हमको बताएंगे। देखो देखो इधर बात नहीं करो, कह रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये पाया कहाँ जाता है, देखो एक बोनी कैविटी होती है, उसका नाम क्या, देखो सेला टर्सिका। जो हमारा आईबॉल था वो कहाँ था, ऑर्बिट में, कहाँ पे ऑर्बिट, ठीक है, कहाँ पे ऑर्बिट। और उसी तरीके से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक बोनी कैविटी होता है, उसका बोलते हैं क्या, सेला टर्सिका, एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा ये जुड़ा रहता है, दिस इज हाइपोथैलेमस। और यहाँ क्या है हमारा पिट्यूटी, ये हो गया इंटीरियर पिट्यूटी और ये हो गया पोस्टीरियर, दो पिट्यूटी होते हैं, ठीक है। नहीं आएगा, देखो देखो तुम लोग बात करें यहां पे, तो ये कह रहे हैं स्टॉक से जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अब जो न्यूरॉन तो कहीं भी हो सकता है, अगर हाइपोथैलेमस में पाया जाता है बच्चे, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं यहां पे कि इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनो हाइपोफाइसिस और नीरो हाइपोफाइसिस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है बच्चे, उसी को बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, क्या बोलेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा देखो, और जो बच्चे न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, इसी को बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वही इंटीरियर पिट्यूटरी है, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसी नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है बच्चे, इसकी एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, दो पोर्शन होगा, ठीक। अगर इसमें आप देखोगे बेसिकली आपको दो पोर्शन देखने को मिलेगा, एक बोलेंगे पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया,
यानी कि जो एडनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। देखो ये देखो, तो कह रहे हैं पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ध्यान रखिएगा इसमें ये है, दो पार्ट है। अगर आप देखोगे पार्स डिस्टेलिस से, किससे, पार्स डिस्टेलिस से तो टोटल जो है 6 हार्मोन निकलते हैं यहां से, कितने, 6, तीन पार्ट हो जाएंगे यहां पे, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस से टोटल 6 हार्मोन और पार्स इंटरमीडिया से मात्र एक हार्मोन निकलता है, कितने, एक, माया कितने निकलेगा, एक। और देखो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस की मात्र एक ब्रांच होती है, उसको क्या बोलेंगे, पार्स नर्वोसा, क्या बोलेंगे, तो पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, ये किसके पार्ट हो गए, इंटीरियर पिट्यूटरी, और जो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया ये किसके पार्ट है बच्चे, पार्स नर्वोसा, कौन सा, पार्स नर्वोसा, पास नर्वोसा से मात्र दो हार्मोन निकलेंगे, रिलीज होंगे, पहला बताया था यहाँ पे देखो, एक होता है एडीएच, कौन सा, एडीएच, और दूसरा होता है बच्चे बोलो चाइल्ड बर्थ कराने में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क इंजेक्शन में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक, तो गाय भैंस लोग इंजेक्शन लगाते हैं, गौ माता बोलते हैं, ठीक, वो इंजेक्शन क्यों निकालते हैं, इंजेक्शन लगा लगा दूध निकालते हैं, देखा होगा आपने, देखा है, नहीं देखा तो देख देख लेना, देखो बताएंगे नहीं आपको, देखो आपको लगेगा आप शुद्ध दूध पी रहे हैं लेकिन आप उसमें शुद्ध दूध नहीं पी रहे हैं, देखो शुद्ध दूध आप तभी पी सकते हो जो आपके घर में खुद की गाय हो, अदरवाइज तो आप भूल जाओ, देखो हाँ गाय जो है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ देखो यहाँ पे कह रही जो एडीएच है इसी दूसरा नाम क्या बच्चे, वेसोप्रेसिन, 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 ठीक, और बताया था एडीएच कहाँ काम करता था, डीसीटी पे, किस पे, डीसीटी पे, ठीक है, डीसीटी पे काम करता था और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता था वाटर का और मिनरल का, याद है कंडीशनल, अगर जो हमारा पीसीटी काम नहीं करे तो ये काम करते थे, है कि नहीं। दूसरी बात ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी था हमने, मान लो डिलीवरी के समय एक डॉक्टर होता है एक इंजेक्शन देता है, बताओ किस चीज का होता है, इससे कि जो डिलीवरी आसान हो जाती है ऑक्सीटोसिन का ही होता है, किसका होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और जो गाय भैंस में लगाते हैं अब तो खैर शायद बैन हो गया, उसका नाम है पिट्रेसिन, क्या नाम है, पिट्रेसिन, होता है वो ऑक्सीटोसिन लेकिन वो सिंथेटिक फॉर्म में होता है, उसको पिट्रेसिन बोलते हैं, अंदर जो भी दूध होता है उसको निकाल के वो बाहर कर देता है, इवन सम टाइम ब्लीडिंग आल्सो अगर, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको मिला देता है पानी और पता आपको नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक, वो नुकसान करता है काफी ज्यादा, ये हार्मोन ही खुद नुकसान करता है, दिस इज बेसिकली फीमेल हार्मोन, तो जाहिर सी बात है जो दूध पिएगा उसके अंदर फीमेल है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेल है तो अरे नहीं दिक्कत है, तो फीमेल करेक्टर भी शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं, हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाएगी, उसकी आवाज बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक, गायनेकोमेस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखो तो कहने मतलब आप देखो कि जो हाइपोफाइसिस है इसको दो पार्ट है, कौन सा बच्चे, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पास डिस्टेलिस से 6 हार्मोन, पास इंटरमीडिया से 1 हार्मोन, ठीक, और पास नर्वोसा की बात करो तो इससे मात्र 2 हार्मोन निकलते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, क्लियर हुआ, और एडीएच एंटीडायटिक हार्मोन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन बताया यहाँ पे मिल एजेक्टिंग हार्मोन भी इसको बोला जाता है, क्लियर हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जो पिट्यूटरी होती है उसको दो पार्ट हो गए, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पूछा था बच्चा, देखो इसमें आप जरा ध्यान दो, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो ये वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी बच्चे हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंटेंट होता है, ये देखो है, ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंटेंट में है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंटेंट में, क्या बताओगे, इंटीरियर की पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर, और कौन सा ऐसा है जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है, मतलब पोर्टल सिस्टम, इनडायरेक्ट मतलब क्या, पोर्टल सिस्टम, इसमें मैंने पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लीवर से, सॉरी जितने भी इंटेस्टाइन से या स्प्लीन से या स्टमक से जो भी ब्लड था वो डायरेक्टली हार्ट में जाने की बजाय कहाँ जाता था, वो लीवर में। मैं देखो
क्योंकि उसमें आपने खाने में पता नहीं क्या खाया है, कोई भरोसा क्या खाया हो, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर में जाना जरूरी होता है। देखो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। देखो दूसरी बात, यहाँ पे देखो पोर्टर सिस्टम बनाया गया, देखो यहाँ पे तो इंटीरियर पिट्यूटरी क्या, देखो पोर्टर सर्कुलेशन, तो पोर्टर सर्कुलेशन किसमें होगा बच्चे, इंटीरियर पिट्यूटरी में, मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट आता है पोर्टर सर्कुलेशन के माध्यम से। ये भी एक क्वेश्चन है कि पोर्टर सर्कुलेशन के माध्यम से किसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो क्या बताओगे इसमें, इंटीरियर पिट्यूटरी में। अब इंटीरियर में दो नाम दे सकता है आपसे, कौन कौन से, पास डिस्टलिस भी दे सकता है और पास इंटरमीडिएट भी आपसे दे सकता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे इससे पूछ सकता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा ये बोनी कैविटी में पाया जाता है। उस कैविटी का नाम क्या बताया था, क्या नाम बताया था, टेलर टर्सिका, ये याद रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक। चलो अब आते हैं इसके आगे, देखो अब इसको सारे हार्मोन अभी थोड़ा सा उसको करवा देंगे सीक्वेंस में। देखो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे कि दो पार्ट्स उसके बताए थे यहाँ पे, पास डिस्टलिस पास इंटरमीडिएट। देखो कह रहे कि पास टू पोर्शन, पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिएट। पास डिस्टलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड द इंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो पास डिस्टलिस होता है उसको नॉर्मली हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन 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 अब आप कहोगे कि जो पास इंटरमीडिएट उसका क्या, पास इंटरमीडिएट इसी के साथ जुड़ जाता है, वो भी सीम शामिल हो गए, है कि नहीं। तो पास डिस्टलिस देखो इसको इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पास डिस्टलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी। नॉर्मली यही होता है जो पास डिस्टलिस को ही हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन कि प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, ये क्या क्या निकालेगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे पास डिस्टलिस की। इंटीरियर पिट्यूटरी में बात करेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी में किसकी, पास डिस्टलिस की। कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखो पहला देखो क्या है, सबसे पहले हमने बताया कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देखो ग्रोथ हार्मोन निकालने के लिए बताया था हमने, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है, वो छोटा बच्चा होता है 7-8 साल का, उसको तो ग्रोथ होना है, तुरंत ग्रोथ हार्मोन निकालेगा, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन निकालने से क्या होगा, उसकी बॉडी ग्रोथ ज़्यादा तेज होगा। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन और निकलता है, उसका नाम था सोमैटोस्टेटिन। कौन सा, सोमैटोस्टेटिन। कि ग्रोथ तो हो रहा है, शुरुआत में पेरेंट्स के लोगों ने देखा, पेरेंट्स ने लोगों ने देखा कि हाँ ठीक ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, और बढ़ गया और अच्छा हो रहा है, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे केस आया था एम्स में, केरला की थी, उसकी हाइट काफी बड़ी थी, यहाँ देखो ये दीवार तक हो गई थी, इतना है, काफी ज्यादा हो गई थी। और वजह क्या थी, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो गया, बढ़ जाएगा मैं, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने की वजह से जो है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसको जो है उसको तो मेंटेन किया गया फिर, ठीक। आगे देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो लंबाई बढ़ गया तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ आगे ना गवर्ने पाए उसके लिए तरीका वही किया गया, उसको वहां से निकालना पड़ा, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ग्रोथ तो, लेकिन बाकी और भी, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन नहीं, और भी हार्मोन होते हैं। देखो इसके कह रहे प्रोलैक्टिन, पीआरएल, कौन सा, प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं, पीआरएल। देखो यहाँ पे इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हमारे पास है थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं टीएसएच, क्या बोलेंगे, टीएसएच। और देखो उसके बाद हमारे पास है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, क्या, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और साथ साथ में हमारे पास है कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, आपको बताया था पोल्यूशन के दौरान एलएच का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता था, एफएसएस का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता था, और किसका बढ़ता था, एलएच का, एफएसएस का, और ईस्ट्रोजन का, है ना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कैसे हार्मोन होते हैं ये, ओवेरियन या प्रोजेस्टेरोन, क्या नाम, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवेरियन होता है, और एलएच एफएसएस कैसे होते हैं, पिट्यूटरी होते हैं, कि नहीं। देखो ऐसे आपका देखो डायग्राम मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे कह रही कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये तो हम लोग कितने हार्मोन हो गए बच्चे, छह हो गए ना, कितने हो गए, छह हो गए, कितने हो गए, छह। तो छह हार्मोन निकलेंगे पास डिस्टलिस से, किससे, पास डिस्टलिस से। तो अगर आपसे पूछे कि पास डिस्टलिस किसमें, बताओगे इंटीरियर पिट्यूटरी में, इससे निकल टोटल 6 हार्मोन। आगे देखो अगला हमारे पास है पार्स इंटरमीडिया, देखो पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। दूसरा सिक्रेट ओनली वन हार्मोन, सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम क्या बच्चे, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, क्या बोलेंगे, एमएसएच।
अगर देखो, हाउएवर इन ह्यूमन द पास इंटरमीडिया, पास इंटरमीडिया जो होता है ये मर्ज कर जाता है किसके साथ, पास डिस्टेलिस के साथ। जब दो जुड़ जाएंगे तो क्या मानोगे, इंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट मानोगे, क्योंकि तो पास डिस्टेलिस पहले इंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट था, ये भी जुड़ जाएंगे तो इनको भी उसी में रखा जाता है। लेकिन अगर दो ऑप्शन में एक चॉइस करना पड़े तो आप किसको करोगे, डिस्टेलिस को, और दोनों दिया तो दोनों तो है ही है। क्लियर हुआ किसमें, इंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है देखो, तो अब अगर आपसे बात करें कि भाई आप ये बताइए कि इंटीरियर पिट्यूटरी टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पास डिस्टेलिस को सिर्फ बताओगे, आप क्या बताओगे, पास डिस्टेलिस पास इंटरमीडिएट दोनों बताओ, यानी टोटल 7 हार्मोन हो गए। कितने 7, देखो 6 हार्मोन तो आपका हो गया पास डिस्टेलिस से और एक हार्मोन हो गया पार्स इंटरमीडिया से, तो 6 कितने हो गए, 7 है ना। अब देखो आगे, अगला हमारे पास है पार्स नर्वोसा, ये देखो पार्स नर्वोसा, यानी न्यूरो हाइपोथेसिस बोलते हैं, पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज इंटीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज। ध्यान रखिएगा इसमें स्टोर भी होता है और रिलीज भी करता है, क्या दो हार्मोन, उसका नाम क्या देखो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, साथ साथ में वैसोप्रेसिन, दोनों दो हार्मोन होते हैं और ऑक्सीटोसिन हो गया साथ में वैसोप्रेसिन हो गया, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस, और वास्तव में इसको सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सिंथेसाइज करने के बाद डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्टली ये देखो यहां बनेगा, ठीक है, जो वैसोप्रेसिन होता है और जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ये बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस से, फिर ये यहाँ पे आता है। अगर आपसे पूछता है ये ऑक्सीटोसिन में से कहाँ बनता है, क्या बताओगे, हाइपोथैलेमस। देखो कह रहे कि विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, यहाँ देखो जो एक्सॉन होता है इसी एक्सॉन के माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, तो एक्सॉन का काम जो है सिर्फ इम्पल्स कंडक्शन तो है ही है, साथ साथ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। मान लो कभी ऐसा पूछ ले तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, और पूछे कहाँ पे तो क्या बताओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में, है कि नहीं, हाइपोथैलेमस में बनता था वैसोप्रेसिन एडीएस, और उसको ले जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ डालता था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, देखो टू न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये तो ये एग्जॉन के माध्यम से हाइपोथैलेमस बनेगा लेकिन आए कहाँ पे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये भी ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस में ही दोनों हार्मोन बनते हैं, लेकिन निकलते कहाँ से है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और जहाँ से निकलेगा उसी के बेस का नाम रखा जाएगा। अब एक एक हार्मोन करके यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, देखो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बता, पूछना था मुझे, स्पीड कुछ ज्यादा है क्या पिछले कुछ टर्म में, सही है बताओ, ऐसा कल कहाँ थी, उड़ दी जाओगी, सो जाओगी, कल कहाँ थी, अरे अरे यार परसों की बात कर रहे हैं, परसों आए नहीं थे, परसों आए थे, ये नहीं था, हाँ परसों गैप ज्यादा तुम लोग, हमें नजर रहती है मेरी, है अहमद था शायद, ऐसा नहीं थे गैप थी, देखो ठीक है, देखो हम क्या पूछ रहे थे, मेरा मतलब ये था कि कोई स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बता देना मुझे, है अगर ज्यादा स्पीड हो तो बता देना, ठीक है, ठीक है पहले थी अब सही है, अब एक बात बताओ बीच में था क्या, बताया क्यों नहीं, हाँ अब बता रहे हो, ठीक बता देना, इसमें मेरी स्पीड ऑलरेडी हाई हो जाती है, वो जीन में है, बहुत तेज भागते रखता है, ठीक तो बता देना उसमें, जहाँ आपको स्पीड ज़्यादा हो, हमारा मेन पर्पज़ है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पढ़ा के चला जाऊँ आपको पता नहीं समझ में नहीं आया पूछने, ये नहीं होना चाहिए, अगर मान लो होता तो बता देना उसको, यहाँ से थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। खैर देखो यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो कह रहे कि जो यहाँ देखो विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस, और देखो यहाँ पे ये तो आपने इसके बाद कर लिया था, यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच, जब ओवर सिक्रीशन होता है इसको बोलते हैं क्या, हाइपर सिक्रीशन, क्या बोलेंगे, हाइपर, ज्यादा निकलेगा तो भी बीमारी, कम निकलेगा तो भी बीमारी, ज्यादा खाओगे तो भी बीमारी, कम खाओगे तो बीमारी नहीं होगी, ठीक है, कम खाओगे तो क्या होगा, कम खाओ, गम खाओ,
स्लिम रहेगा, फिट रहोगे, है कि नहीं? मैं ना कम खाओ अच्छा खाओ, देखो इधर देखो, कह रहे कि ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगा क्या होगा, देखो टू जिगेंटिस एंड इससे क्या होता है बच्चे, जिगेंटिस एंड लो सिक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इंस्टेंटे ग्रोथ, इससे ग्रोथ रुक जाएगी एंड रिजल्टिंग इन टू पिट्यूटरी डॉर्फिस, इससे क्या हो जाएगा पिट्यूटरी डॉर्फिस हो जाता है। डॉर्फिन दो टाइप के होते हैं, एक तो ये होते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिस और एक हमने बताया था कहां पे कौन सा होता है, ओके डॉर्फिस होता है, बोलो है और कोई डॉर्फिस होता है, ये जो सर्कस में देखते हो आप कौन से डॉर्फिस होते हैं, यही होते हैं पास में कुछ सर्कस में जो होते हैं उनके पास दिमाग तो होता है ना, पता नहीं होता है, तो सर्कस जो देखते हैं वो पिट्यूटरी डॉर्फिस वाले ही होते हैं, मैं उनकी ग्रोथ हार्मोन निकलती है, ओवरऑल डेवलपमेंट सेम रहता है। मैं एक हमने बताया था, सोच के बताओ कौन सा टर्नर सिंड्रोम में डॉर्फिन कहाँ होता है, लकी होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, डॉर्फिन नहीं है, ठीक है बताओ, एक हार्मोन इसकी वजह से डॉर्फिन होती है, एक और हार्मोन उस वजह से, इससे आयोडीन कमी हो जाए, किडनीजम डॉर्फिस या सुना अभी सब बताया नहीं आपको, ठीक है इसमें आयोडीन मेंटेनेंट आयोडीन है डॉर्फिस में, वो भी आता है थायरोक्सिन में, ये पढ़ेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है देखो, लेकिन वहां पे आईक्यू लेवल बौने वहां पे हो जाते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन वहां पे आईक्यू लेवल नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, लेकिन ये भी बौने होते हैं वो भी बौने होते हैं पास में, जो थायरोक्सिन कम निकलेगा उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इनके पास दिमाग होता है तभी तो लोग हंसा पाते हैं, ये जो सर्कस में काम कर दिमाग नहीं होता इनके पास, बिल्कुल होता है, अगर दिमाग तो हंसा कहाँ पाएंगे, मैंने इसलिए रखा भी जाता है इसको, है कि नहीं, देखो कह रहे कि एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, यहाँ देखो कह रहे कि एक्सेस सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन को कहाँ पे एडल्ट में, स्पेशली मिडिल एज में, यानी कि 20-25-30 साल के आसपास, मिडिल एज 35 साल तक, तो क्या होगा देखो सेवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, पूरा चेहरा जो है बिगड़ जाता है, कह जाएगा पूरा चेहरा बिगड़ जाता है, तो क्या बोलते हम लोग एक्रोमेगैली, क्या बोलेंगे एक्रोमेगैली, ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगर एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्रोमेगैली, और यही अगर शुरुआत के दिनों में इनिशियल स्टेज में, ठीक है तो वो क्या हो जाएगा हमारा जिगेंटिस, ठीक है तो इनिशियल स्टेज में अगर होता है कम, ठीक है बढ़ जाता है इनिशियल स्टेज जिगेंटिस, और अगर ये एडल्ट स्टेज में होता है तो इसको बोलेंगे क्या एक्रोमेगैली। अभी हम आपको हार्मोन उसके डिसऑर्डर उसके फंक्शन भी साथ साथ बता देंगे, अभी पहले देख लो इसको, देखो पूरी चार्ट बनवा देंगे, देखो यहाँ पे क्लियर हुआ, तो ये जो बच्चे हैं इनिशियल स्टेज में जो जिगेंटिस होता है ना, ये इनिशियल स्टेज में होता है, चाइल्डहुड में कह सकते हो इनिशियल स्टेज, चाइल्डहुड की बात करें यहाँ पे वहां पे होगा, देखो इसको इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हो आप अर्ली स्टेज, क्या अर्ली स्टेज, तो आपसे पूछे कि अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है तो उनसे पूछो कब बढ़ रहा है, एडल्ट स्टेज में कि अर्ली स्टेज में, तो अगर पूछेगा अच्छा एडल्ट एड में हो रहा है तो क्या होगा बताओ, तो अगर एडल्ट में होगा तो क्या बोलेंगे एक्रोमेगैली, देखो यहाँ पे ए से एक्रोमेगैली, ए से बोलोगे बोल के दिखाओ जाने, देखो अगर एडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो इससे कौन सा बीमारी होगी एक्रोमेगैली, और अर्ली स्टेज में होगा तो निगेटिव, आदमी बढ़ता जाएगा बिल्कुल जैसे होता नहीं राक्षस जैसा हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, ठीक है पिछले थोड़ा ध्यान रखिएगा दोनों, तो हार्मोन दोनों को ऐसे प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में अगर निकल आए तब, या एडल्ट स्टेज या मिडिल स्टेज में अगर शुरू जाए तो दोनों तरीके से बीमारी यहाँ पे अलग अलग है, ठीक आगे देखो विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और भी कुछ करेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे कि देखो अगर ये एक्रोमेगैली हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत आती है, देखो कह रहे प्रीमैच्योर डेथ, और समय से पहले क्या हो जाएगा डेथ हो जाएगी इफ अनचेक्ड, अगर उसको देखा नहीं गया रोका नहीं गया तो उसमें रोका नहीं जाएगा तो ये इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक इसकी एक्रोमेगैली की बात कर रहे हैं, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज, शुरुआत में इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है, और शुरुआत में लोग तो तालियां बजा रहे होते हैं, अच्छी हुई इसकी ग्रोथ बढ़ रही है बहुत अच्छा है, तुम तो आर्मी में जाओगे भले किसी लायक ना हो,
आर्मी में जाने के लिए सिर्फ लंबाई होनी चाहिए होता है, दिमाग भी चाहिए होता है। दिमाग है नहीं, ये लंबाई थोड़ा बढ़ते गए सफेदे की तरह, है कि नहीं? तो वहां पे कह रहे हैं यहाँ पे उसके अलावा कह रहे हैं कि और भी चीजें चाहिए होता है। देखो अर्ली स्टेज कह रहे कि यहाँ पे तो शुरुआत में लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो जब उनको देखने लगते हैं बातें करो, लेकिन जब अब लोग ऑब्जर्व करने लगते हैं यार तुझ बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर लंबाई बढ़ती जा रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। वही कह रहे शुरुआत स्टेज में लंबाई बढ़ती, लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं, मेरी लंबाई तो बढ़ रही है, किसी का भी हो ठीक, लेकिन पता लगा ये बढ़ता ही जा रहा है, तो बाद में जब ये लोग देखते हैं, जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब काफी देर हो चुका होता है। मैं कुछ देखो एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी इयर्स, और ये कई साल तक इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये बढ़ता चला जाता है, अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर, जब तक कि बाहरी फीचर भी दिखाई नहीं देते हैं, बिकम नोटिसबल, तब लोग उसको नोटिस करना शुरू करते हैं, यार ये तो ग्रोथ तो बढ़ता ही जा रहा है, हम तो सोचे 5 फीट 6 फीट तक जाएगा उसके बाद ही होगा, मतलब 7 फीट 8 फीट बढ़ता ही जा रहा है, तो ये पूरा प्रॉब्लम किया है। देखो किसकी बात करें बच्चे, ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? इंटीरियर की पोस्टीरियर, इंटीरियर प्यूटिटी, क्या बोलेंगे? इंटीरियर प्यूटिटी। तो क्या समझ में आया आपके? इंटीरियर प्यूटिटी निकलेगा, इसके ज्यादा सिक्रीशन से उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीशन से भी प्रॉब्लम, कम सिक्रीशन से भी प्रॉब्लम, ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो पूछो कब होगा, अर्ली स्टेज में हो जाए तो जिगेंटिस, और अगर मिडिल एज में हो या एडल्ट में होगा तो एक्रोमेगेली, ए से एडल्ट, ए से एक्रोमेगेली, याद रहेगा? याद रहेगा, भूल जाओगे, याद रहेगा? उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हार्मोन कम निकले तो उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, और हाइपोसिक्रीशन बीमारी उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिस, आदमी बौनर हो जाता है। तो सर्कस में होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मेंटली बहुत फिट होते हैं, उनका दिमाग कमजोर नहीं होता है, अदरवाइज किसी को हंसा ही नहीं पाएंगे, हंसाना इतना आसान थोड़ी ना है, हंसाना काम बहुत, रुलाना बहुत आसान है, पत्थर किसको मार दो रोना शुरू वो वो, लेकिन किसी को हंसा के दिखाओ आप नहीं हंसा सकते। कह रहे कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसके बाद अगला हमारे पास देखो जरा, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ, अगला हमारे पास हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन। देखो अभी आपने पढ़ा, देखो प्रोलैक्टिन के बारे में, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी दो काम करता है बच्चे, एक तो मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, से पहले भी करेगा ठीक है। देखो मेमोरी ग्लैंड होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, दो काम करेंगे, एक तो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन और साथ साथ उसका मिल्क का प्रोडक्शन, ये दो काम कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रोलैक्टिन के दो काम हो गए, मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन और साथ में मिल्क का फॉर्मेशन, इजेक्शन नहीं, मिल्क का इजेक्शन नहीं, मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क का इजेक्शन कौन कराएगा? हो गए, कौन कराएगा? बस कुछ भी बोलते रहते हो, बताओ खाली, मिल्क का इजेक्शन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बताया अभी, ऑक्सीटोसिन भाई, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन है, मेमोरी ग्लैंड फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन है, कुछ माया? आगे देखो, तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको ठीक। देखो प्रोलैक्टिन, ये दूसरा हार्मोन हो गया आपको, कौन सा बच्चे? प्रोलैक्टिन। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको चार्ट भी बना दूंगा, अभी प्रोलैक्टिन पढ़ लिया, अगला देखो बच्चे तीसरा, यहाँ पे काफी दिया गया, तीसरा हमारे पास है बच्चे कौन सा? देखो यार तीसरा, TSH मतलब स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन ठीक है, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकले, इसके लिए TSH जिम्मेदार होता है। TSH जो है ये निकलेगा तब जाके ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलेगा ठीक। देखो ये कौन सा होगा हमारा? तीसरा हो गया थायराइड, हाँ बच्चे पहला ग्रोथ था, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड, तो है देखो आगे ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया, तो यानी कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड यानी थायरेक्सिन हार्मोन निकालने के लिए हो गया कौन सा हमारा? TSH। तीसरा देखो बच्चे कि अगला हमारे पास है नंबर 4, कौन सा है? ACTH, क्या मतलब? देखो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ क्या? स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्या बोलते हैं इसको?
हमने बताया था आपको एक कंट्रासेप्टिव पिल्स के नाम बताया था, जो कैसा था, नॉन स्टेरॉयडल। कौन सा है? सहेली। क्या बताएंगे? सहेली है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन, इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एडिनल कॉर्टेक्स। दो होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मिडला, अभी आगे पढ़ेंगे ही, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, तो ये हम लोग बात करिएगा, तो ACTH जो होता है, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करता है, साथ साथ सिंथेसाइज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये हो गया हमारा ACTH। पांचवा देखो, पांचवा कह रहे हैं बच्चे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये है नंबर 5, LH और FSH, नंबर 5। देखो LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाइडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल गोनाडोट्रोपिन। ये गोनाइडल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, गोनाडोट्रोपिन। जैसे ओलूशन में पार्टिसिपेट करेंगे कौन, LH, FSS, है कि नहीं, इसको बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, याद रखिए कि यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन, यहाँ देखो। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर मेल्स की बात करें, इसमें काम देखो अलग अलग है। अगर हम मेल की बात करें, इन मेल LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ क्या, हार्मोन कॉल द एंडोजन। LH जो है एंडोजन निकालने के लिए बोलता है, किसको बोलेगा, किसको बोलेगा, लेडी सेल, वेरी गुड, किसको बोलेगा, लेडी सेल। एक हमने बताया था कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ये कहां पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होता है, एक लेडी सेल में होता है, बताओ, इंटरस्टिशियल सेल में, स्पेस में, बोलो कहां पाया जाता है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, जहां पे लेडी सेल पाया जाता है, कहां पे लेडी सेल पाया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। देखो ये कह रहे हैं कि यहां पे हार्मोन निकालता है एंडोजन फ्रॉम टेस्टिस, और क्या निकालता है, एंडोजन निकालने का काम करता है, कहां पे टेस्टिस, और टेस्टिस में कहां से निकलेगा, लीडिंग सेल से काम कर निकालेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार बताओ, LH। तो LH जो आप देखोगे तो मेल में मिलेगा आपको, फीमेल में मिलेगा, देखो आगे ये कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे कि इन मेल, ये तो हमने बात करें LH की, LH क्या कराता है, और देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो FSS की बात करें, इन मेल FSS एंड एंडोजन रेगुलेट, जो FSS होता है, FSS एंड एंडोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। एंडोजन जो निकला था कहां से, लेडिंग सेल से, है ना, और FSS ये पता है कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जो कह रहे हैं FSS और एंडोजन मिलके ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। ये तो हम लोग बात करें किसमें, मेल की बात करें, किसमें, मेल की। जरा फीमेल की तरफ देख लो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन फीमेल LH इंड्यूस क्या, पोल्यूशन, ये तो आप जानते ही हो, पोल्यूशन को इंड्यूस करता है, ठीक है, ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, फुली मैच्योर फॉलिकल या फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल भी बोल सकते हो। कई सारे मैंने फॉलिकल बताया था, इसे बताया था हमने टर्सरी स्ट्रक्चर ग्रेफियन फॉलिकल का, कैसे पहचानोगे उसको, एंट्रम पाया जाता है, बिल्कुल, वहां फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी पाया जाता है, उसको बोलते हम लोग एंट्रम, ठीक। यहां देखो फुली मैच्योर फॉलिकल को तो बोलते ग्रेफियन फॉलिकल एंड मेंटेन क्या, देखो कार्पस लूटियम और कार्पस लूटियम को मेंटेन भी करता है, याद करो, इसी कार्पस लूटियम से मान लो प्रेगनेंस, सॉरी फर्टिलाइजेशन हो गया तो कौन सा हार्मोन निकलता था, प्रोजेस्टेरोन, क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन, अदरवाइज इसी कार्पस लूटियम में डिजेनरेट कर जाएगा और ये कार्पस एल्बिकेंस बना देगा, फिर वो खत्म हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता। देखो हम लोग बात करें कार्पस लूटियम की, फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, जो बचा कुचा जो पार्ट मैंने बताया था, जब तक ग्रेफियन फॉलिकल जो होते हैं उन्हें से क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा कार्पल ल्यूटियम, और इसी कार्पल ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, कब तक निकलेगा, जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता, जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो इससे ये इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया, देखो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और साथ साथ में प्रोलैक्टिन, थायराइड, और हमने कौन सा पढ़ा, ACTH, है ना, ACTH के बारे में साथ साथ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी हम लोग यहाँ पे पढ़े, ठीक। अब आते हैं इसके बाद, अभी कौन कौन सा हार्मोन देखो यहाँ पे, फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, ये तो हो गया, देखो कह रहे कि यहाँ पे आफ्टर ओवुलेशन FSS स्टिमुलेट, FSS की बात करें, ये क्या काम कर, देखो फीमेल की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है,
फीमेल की, ठीक, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल, तो फीमेल में ग्रेफियन फॉलिकल बनाने का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे जो एमएसएच होता है, एमएसएच, एमएसएच कौन निकालता था, पार्स इंटरमीडिया, कौन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच एक्ट एज मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन पिगमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, कोई आदमी काला है, गोरा है, सांवला है, वो सब यही डिसाइड करते हैं, बस है, बॉडी के जो कलर होते हैं वो यही डिसाइड करते हैं, कौन, एमएसएच, कौन, एमएसएच। दूसरी बात करें कि यहाँ पे हम लोग बात करें ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, ये जो हमने बताया था कहाँ गया, ये एमएसएच कहाँ से निकला था, इंटीरियर पिट्यूटरी से, और इंटीरियर में कौन सा, पार्स इंटरमीडिया, है कि नहीं, पार्स इंटरमीडिया से, ठीक है, देखो, अरे ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल, अब दूसरा बात हम लोग बात करें यहाँ किसकी, पोस्टीरियर की, किसकी, पोस्टीरियर की, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रेक्शन, जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल होता है उस पर काम करता है और क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है, क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन, ठीक, आगे देखो, यही बात करते हैं यहाँ फीमेल में, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं, इसका मतलब कितने, हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में स्मूथ मसल कौन कौन सी है, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, है कि नहीं, पैंक्रियाज हो गया, लंग्स हो गए, सब क्या है, विसल ऑर्गन है, वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लंग्स कंट्रैक्ट करता है, स्टमक कंट्रैक्ट करता है, चर्निंग मूवमेंट चलता है, बस ना, ये सब कौन कराता है हमारा, ये ऑक्सीटोसिन कराता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में भी निकलता है, लेकिन काम क्या, देखो ये हमारी जो स्मूथ मसल होता है वहां पर काम करता है, ध्यान रखिएगा किस पे, स्मूथ मसल पे, और देखो, लेकिन अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में कहाँ काम करता है, देखो, स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय जो है यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा करता है, मैं यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन काफी तेज करता है। दूसरी बात, एंड मिल्क इजेक्शन को भी कराता है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन भी कराने का काम करता है, याद करिए मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और मिल्क का फॉर्मेशन किसको गया था, प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन की बात करेंगे तो कौन आएगा, ऑक्सीटोसिन, है ना, देखो। इसके बाद पोस्टीरियर से एक और हार्मोन निकला था, क्या नाम बताया था, वेसोप्रेसिन, यानी कि एडीएस की बात करें, एक्ट मेनली एट द किडनी, किडनी भी काम करता हूँ, किडनी में भी कहाँ, डीसीटी पे, कहाँ पे, डीसीटी पे, एंड स्टिमुलेट रिब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाई डिजिटल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी की बात कर रहे हैं, देयर बाई रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, ठीक है। थ्रो यूरिन, इसको बोलते हैं डायूरेसिस, क्या बोलेंगे, डायूरेसिस, क्या बोलेंगे, डायूरेसिस, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये डायूरेसिस से बचाने का काम करता है, मतलब हमने बताया था यहाँ पे जब भी आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो फिर क्या होता है, क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, पिट्यूटरी पिट्यूटरी काम करता है, उसे क्या निकलवाने के लिए, वैसोप्रेसिन एडीएच, और फिर जब एडीएच निकलेगा तो डीसीटी पे जाके सारे वाटर को ये अब्सॉर्ब कर लेगा, पानी की कमी जो है पूरी हो जाती है, इसलिए डायरेसिस से बचाने का भी काम करता है, क्लियर हुआ। आगे देखो, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसलिए इसको हम एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एंटीडायबिटिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि एंटीडायबिटिक ये जो काम करेगा, यूरिन क्या होगा, कम निकलेगा, वाटर कंटेंट क्या होगा, कम निकलेगा, सारा सारा टिश्यू में अब्सॉर्ब करके इसको डाल दिया गया है, उसमें नहीं आया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो, कह रहे हैं एन इंपेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो एडीएच प्रॉपरली ना निकले, या कह सकते हो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो कह रहे हैं इंपेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच, तो क्या होगा, देखो, रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर। अच्छा, एडीएच करता क्या था, डीसीटी से पानी को एब्जॉर्ब करता था, तो अगर एडीएच नहीं निकलेगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, हालांकि बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशनल होता है, बशर्ते ये कि पीसीटी लोग काम करते रहे, पीसीटी नहीं करते तो दिक्कत हो जाएगी, अगर पीसीटी काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पीसीटी काम नहीं करता तब दिक्कत हो जाएगी, माया वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अगर मान लो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किडनी कंजर्व वाटर लीडिंग टू द वाटर लॉस, ये वाटर लॉस वाटर को कंजर्व
नहीं कर पाएगा। ठीक, देखो आगे, एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस केस में क्या होता है, पानी जो रिटेन हो नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब अंदर होगा नहीं, जितना पिया उतना पेशाब ही जाता रहेगा, वो है कि नहीं, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एंड डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मिलिटस बोथ आर द डिफरेंट डिसऑर्डर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मिला मत दीजिएगा। अब मैं इसको जितना मैंने अभी तक कराया है इसको थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ पूरा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे आपके पास जगह काफी होगा। देखो यहाँ हो जाएगा हार्मोन, ठीक, यहाँ करा दूंगा आपको फंक्शन, यहाँ हो जाएगा डिसऑर्डर, क्लियर। देखो सबसे पहले बच्चे कौन सा हार्मोन, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन अब यहां देखो क्या है, डिसऑर्डर में अगर यहां पे हाइपर सिक्रीशन होगा, मान लो फंक्शन में हो जाएगा यहाँ पे ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ कराता है, जाहिर सी बात है, और यहां की बात करें यहां पे हाइपर और हाइपो सिक्रीशन, देखो हाइपर सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। अब सवाल है जब हाइपर होता तो कब होता, देखो अगर अर्ली स्टेज में होगा, बोलो क्या होता है, गिगेंटिस, और लेट स्टेज में होगा बच्चे, या एडल्ट बोल सकते हो उसको, एडल्ट स्टेज में होगा इसी बीमारी हो जाएगी एक्रोमेगैली, ठीक है, नोट कर लो।
देखो अगला हमारे पास कौन, देखो अच्छा इसमें और देखो यहाँ पे अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा इससे डवार्फिज्म, क्या जाएगा बौनापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बौनापन। यहाँ देखो दूसरी बारी देखो यहाँ पे क्या है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हम लोग क्या बोलते हैं TRL है ना, क्या करें देखो यहाँ पे क्या करता है देखो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एंड मिल्क फॉर्मेशन, हो जाएगा मिल्क फॉर्मेशन। बच्चे जो मैंने बताया आपको ये ग्रोथ हार्मोन बताया इसको, तो इसको ध्यान रखना ठीक है, पूरा जो है ग्रोथ हार्मोन के लिए। ठीक प्रोलैक्टिन है इसमें कोई डिसऑर्डर कुछ है नहीं है, अदरवाइज प्रोलैक्टिन को आप इधर कर दो ये ऊपर का है ठीक है। दूसरा देखो जल्दी मार्क में मिटा देंगे क्यों तो बैठे हुए, इसको ACTH इजनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, स्टिमुलेट एडिनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट एडिनल कॉर्टेक्स दो होते हैं कॉर्टेक्स इस
स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, नोट कर लो, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोकार्टिकॉइड। सिंथेसिस भी करेगा, रिलीज भी करेगा, मतलब सिक्रीशन करेगा। ठीक है, सिंथेसिस सिक्रीशन दोनों करेगा। बस कलर चेंज कर देंगे इसमें तो क्लियर दिखाई देगा। स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, क्या एंड्रोजन इन मेल, एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल, एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। यानी कि जो LH होता है दोनों पर काम करता है, मेल में भी होता है और फीमेल भी होता है, काम अलग अलग है। देखो यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें तो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस से एंड्रोजन को सिंथेसिस करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल क्या काम करता है, देखो अगर फीमेल में होगा तो क्या करेगा, ये ओवुलेशन कराएगा, साथ साथ में कार्पस लूटियम को मेंटेन कराएगा। ठीक, देखो यहाँ पे ओवुलेशन एंड मेंटेन कार्पस लूटियम, ये कहां करता है, सही से बात कहां पे, फीमेल है कि नहीं, नोट कर लो, फिर जल्दी से मिटा देते हैं इसको। वीडियो क्वालिटी सेटिंग है इसमें, वीडियो क्वालिटी सेटिंग है, देखो कितने में दिखा रहा है, मैक्सिमम देखो। मैक्सिमम है, मैक्सिमम देखो, बंद कर देना फिर। ठीक है फिर,
ओके बच्चे, और एक लास्ट में हम लोग कर लेते हैं इसी में, एक दो तीन, नंबर गलत हो गया ना, ये है नंबर फोर, ये है नंबर फाइव, और ये है नंबर सिक्स, ये है बच्चे FSH, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब इसका आपके पास जगह होगा लेकिन मेरे पास जगह नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा। नो डाउट ये डिसऑर्डर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या काम करता है देखो, ये डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है, ये दो काम करता है। कुल लगता है कि FSH जो है सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये मेल में भी होता है और फीमेल में होता है। देखो इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, इन मेल, और क्या देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल, ठीक है, ओवरियन फॉलिकल होता है, ग्रेफियन फॉलिकल बोल सकते हो, उसको डेवलपमेंट करने का काम करता है। ठीक है, उसको नोट कर लो इसमें, और जाहिर सी बात ये कहाँ होगा, फीमेल में होगा, तो फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है। थोड़ा सा नीचे हो गया क्या, ठीक है, ये हमने बताया कौन से, पास डिस्टेलिस वाले, कौन से बच्चे, पास डिस्टेलिस सारे खत्म हो गए, ये है पास डिस्टेलिस के, पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस के हार्मोन हो गए सारे। पिछले देखो मैंने क्या क्या बताया, देखो कह रहे कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी बात करेंगे, तो इसमें तीन बार बताया था, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिएट, पार्स नर्वोसा, है ना। देखो यहाँ पे जो पार्स डिस्टेलिस है उससे टोटल कितने हार्मोन निकलते, देखो छः, कितने छः, यहाँ देखो जैसे कर इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले बताया यहाँ पे कौन सा, देखो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, जीएस, किससे, जीएस से, है ना। देखो कह रहे यहाँ पे जो ग्रोथ, ये क्या कह रहे, बॉडी ग्रोथ कराएगा, कह रहे कि हाइपर सिक्रेशन, अगर डिसऑर्डर में अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, जरूरत से ज्यादा निकलने लाए, और कब, अर्ली स्टेज में, तो अर्ली स्टेज में क्या बोलेंगे इसको, जिगेंटिस, और अगर यहाँ पे लेट स्टेज होगा तो, एडल्ट स्टेज होगा तो क्या, एक्रोमेगाली, एस एडल्ट, एस एक्रोमेगाली याद कर लीजिएगा। लेकिन इसका सिक्रेशन कम होने लगे तो जाएगा ड्वार्फिस, इसको पूरा बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिस, कौन से बोलेंगे, पिट्यूटरी ड्वार्फिस। और देखो यहाँ पे अगला हमारे पास है देखो प्रोलैक्टिन, क्या है प्रोलैक्टिन, इसको पीआरएल से नाम से जानते हैं हम लोग, ये सारे हार्मोन निकलते हैं पास डिस्टेलिस या ये इंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हो, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराएगा, साथ साथ मिल्क फॉर्मेशन भी कराने का काम करता है। दूसरी बात देखो हाइपोसिक्रेशन की बात करें यहाँ पे, सॉरी तो इस पढ़ो, तो इसका पार्ट था, इसका नहीं था। अब इसमें देखो फंक्शन इसके दिए हुए हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, ये क्या करता है देखो, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, थायराइड हार्मोन निकालने के लिए, है ना, थायरॉक्सिन जैसे हो गया। ACTH की बात करेंगे, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एडिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, सिंथेसिस करने के लिए और सिक्रेशन करने के लिए, कह सकते हो रिलीज करने के लिए। क्या स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया यहाँ पे। दूसरी बात करें कि जो LH होता है इसको बोलते हैं लुटनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, ये कैसे काम करता है, ये मेल पे भी काम करेगा फीमेल पे भी काम करेगा, क्या काम करता है देखो, ये क्या काम करता है देखो, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, सिंथेसिस भी कराएगा सिक्रेशन भी कराएगा, किसका, एंडोजन का, कहां से, फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस में पूछे तो क्या बताओगे, लेडिंग सेल, क्या बताओगे, लेडिंग सेल, है ना, ये तो हो जाएगा मेल में।
इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे FSH, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या काम करता है, देखो इसका मैंने यहाँ पे बताया आपको, देखो इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, और साथ में कराएगा, ये तो मेल की बात कर रहे हैं, लेकिन फीमेल क्या कराता है देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, इसमें फीमेल में जिसको आप क्रेपियन फॉलिकल भी बोल सकते हो, कुछ मैं ये किसके हार्मोन थे पूरे पास जेस्टेलिस के, तो कितने हार्मोन निकलते हैं बोलो छह, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, पूरे 6 हार्मोन निकलते हैं पास जेस्टेलिस से, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक ही पेज इसने बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता दिया इसको, ठीक है, तो गड़बड़ मत कर देना इसको, क्लियर है, गड़बड़ करोगे करोगे पता नहीं क्या, पता नहीं है, अरे पता नहीं, गड़बड़ नहीं करना है, नहीं कूट दे जाओगे, ठीक, चलो ये खत्म हो गया हमारा, आ गया, देखो अब मैं पूछता जाता हूँ आप लोग बताते जाओ, ठीक है, चलो देखो तो पास डिस्टेलिस के कितने हार्मोन निकलते पता चलते, ठीक, पहला नाम बताओ, ग्रोथ हार्मोन आगे, और थायराइड और ACTH और LH और FSH, सबको पता होना चाहिए मैं कुछ, अब बताओ, अच्छा ग्रोथ हार्मोन बॉडी ग्रोथ कराएगा, साथ साथ में हाइपोक्रिसन हो जाए, जरूरत से ज्यादा निकले तो, अर्ली स्टेज होगा तो, और लेट स्टेज एडल्ट स्टेज होगा तो एक्रोमेगैली, शुरुआत में इसको चेक करना मुश्किल होता है, बाद में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे फिर पता नहीं चल पाता है इससे, ठीक है, और देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका चेहरा इफेक्ट कहाँ दिखता है, चेहरे पे, यहाँ देखो ये हो गया हमारा एक्रोमेगैली, अगला देखो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्या काम करेगा देखो, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और साथ में क्या कराएगा, मिल्क फॉर्मेशन, क्या कराएगा, मिल्क फॉर्मेशन, आगे बताओ, तीसरा बताओ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है बताओ, हाँ बोलो बच्चे, हाँ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे किस लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, या थायराइड हार्मोन निकालने के लिए, ठीक है, सुधार रखिएगा, और देखो चौथा कौन सा बच्चे, ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहाँ काम करेगा, एडिनल कॉर्टेक्स पे, और क्या रिलीज करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन जो कि क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, चौथा हो गया, पांचवा देखो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलेंगे, ये मेल में भी काम करेगा फीमेल में, मेल में क्या करता है देखो, ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन को रिलीज कराने के लिए इंड्यूस करेगा, कहाँ से, टेस्टिस से, ठीक है, मेल में, और फीमेल में क्या काम करता है देखो, पोल्यूशन को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, पोल्यूशन कराता है, साथ साथ मेंटेन कार्पोल्यूटियम, कार्पोल्यूटियम को मेंटेन कराने का काम करता है, कौन सा था हमारा, LH, ठीक है, और आपने देखा इसके बारे में, FSH की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके देखो काम बताया, इंड्यूस क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें, मेल में, और देखो ग्रोथ डेवलपमेंट किसका, ओवेरियन फॉलिकल का, जो हम लोग पढ़ते थे मैचोग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, याद है वो हम लोग पढ़ते थे, ये सारी बातें हो गई हमारी पास डिस्टेलिस से निकलने वाले हार्मोन की, अब बच्चे इसमें है अगला हमारे पास बीमारी जो कौन सी है, सॉरी बीमारी बोल रहे हैं, पार्स इंटरमीडिएट, एक ही है पार्स इंटरमीडिएट, कौन से बच्चे, पार्स इंटरमीडिएट, देखो ठीक है, पार्स इंटरमीडिएट देख लो, कौन सा हार्मोन था बच्चे, कौन सा हार्मोन था, हाँ बिल्कुल MSH, देखो ये 6 होगा तो उधर ये नंबर 7, ठीक, इसको बोलेंगे MSH, क्या काम करेगा बताओ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मार्क करो, तो किसके लिए होता था इसको, मार्क करो, किसके लिए था ये, है
इंस्टेंट पेमेंट ना। ठीक है देखो, ये हो जाएगा स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन ठीक देखो, और किस पे काम करेंगे? टू मेंटेन स्किन पिगमेंटेशन ऑन एक्टिंग ऑन मेलानोसाइट। मेलाना मतलब मिलेनियम बनाने वाले साइट, मतलब सेल है ना, यानी कि मिलेनियम बनाने वाले सेल। और इसके डिसऑर्डर में हो जाएगा हाइपर पिगमेंटेशन। क्या हो जाएगा बच्चे? हाइपर पिगमेंटेशन। बहुत लोगों के चेहरे पे चकत्ते बहुत ज्यादा पड़ जाता है, या बहुत ज्यादा बिल्कुल पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है। एल्बिनिज नहीं, ये अलग है, एल्बिनिज अलग होता है, ये अलग है ठीक है। इसे बोलते हैं हाइपर। कुछ आपने देखा हो कुछ पेशेंट ऐसे, उनके कुछ जगह तो यहाँ पे डार्क हो जाए, कुछ जगह लाइट हो जाएगा स्किन किसी कलर, दैट इज ए हाइपर पिगमेंटेशन। मार्क लो इसको, पास डिस्टेलिस। इसे मात्र एक ही हार्मोन है, वो कौन सा है? एमएसएच। देखो ये खत्म हो गया हमारा इंटरमीडिएट, अगला हमारे पास है तो ये मैं सेव कर देता हूँ। वही है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। देखो इससे दो हार्मोन देखो, यहाँ ये हो गया आठ, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीटोसिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटेशन और नौवो हमारे पास है कौन सा? एडीएच, वैसोप्रेसिन ठीक। एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसको बोलते क्या? एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक ऑक्सीटोसिन बताओ मेल में क्या काम करता है? मेल फीमेल दोनों में काम करेगा भाई, विसर्जन तो सब में होता है। स्टमक थोड़ी ना कि लड़कों में पेट होता है, लड़कों में पेट ही नहीं होता, लड़कियां सबसे ज़्यादा खाती हैं है कि नहीं? तो दोनों में होगा भाई। कहने मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या करें थे बताओ? ऑक्सीजन किस पे काम करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, बिल्लू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल दोनों में करेगा। और पार्टिकुलर फीमेल में और क्या काम करता है? देखो पार्टिकुलर फीमेल में और क्या काम करता है? मिल्क इजेक्शन था ना, ये क्या था? मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन कर सकता है या मिल्क को स्क्वीज कर सकता है, ठीक तो बोलते हैं स्क्वीजिंग। और क्या काम करता है? चाइल्ड बर्थ के दौरान यूज होता है कि नहीं? चाइल्ड बर्थ ठीक है, यो आपका जो पास्टुरेशन को डिलीवरी को आसान बनाता है। चाइल्ड बर्थ को में इन्वॉल्व होता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ को आसान बनाता है, ठीक है, डिलीवरी आसानी से हो जाती है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तुरंत जो है हॉस्पिटल में अपने नामकरण करना होता है, नामकरण करा लो, कब कौन सा हार्मोन कम हो जाए कोई भरोसा नहीं है, है कि नहीं? थोड़ा सा और हार्मोन कम होने जैसे प्रोजेस्टेरोन मान लो कम हो गया, प्रेगनेंसी हुई, घर में खुशी बढ़ रही, पता लगा कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ही कम हो गया, पता लगा एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज है ना,
तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी। कम से कम 16 विजिट होती है हॉस्टल की, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक के में। देखो आपको हॉस्टल जाना है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन है तो फिर क्या होगा। खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग बात करें यहाँ पे एडीएस वैसोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक। आपको पता है यहाँ कहाँ काम करता है, बताओ क्या काम करता है? डीसीटी पे, किस पे? डीसीटी पे। और वहां से क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। डीसीटी टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम डायूरेसिस, डायूरेसिस बताता है, ठीक है। और डिसऑर्डर्स में ये तो है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस, एंड दिस पार्ट्स आर अबाउट योर ऑल द पिट्यूटरी हार्मोन, इसलिए पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एज वेल एज पार्स नर्वोसा, टोटल 9 हार्मोन, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये पैराग्राफ, ये जो पेज है ये वाला, इसको हॉट स्पॉट में कर लो, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से आते हैं, हालांकि इस बार एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। डायरिसिस से बचाता है, डायरिसिस मतलब क्या होता है, डायरिसिस मतलब क्या होगा? वाटर लॉस, वाटर लॉस होगा। अगर ये नहीं निकलेगा तो वाटर लॉस होगा, एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, तो सारा पानी क्या हो जाएगा, पेशाब के थ्रू ज्यादा, पेशाब ज्यादा होगा। इसी तो बोलते हैं क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, हिंदी बोलते हैं बहुमूत्रा, है ना? बहुत मूत्रा ने बहुत मूत्रता बोलते हैं, मुझे नाम ही नहीं आ पा रहा है, इससे बड़ा मुश्किल होता है, हिंदी बहुत ही मुश्किल है कि नहीं। मतलब डायरिसिस से बचाता है, यानी मतलब पानी के एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो बॉडी में क्या होगा, फ्लूड की कमी हो जाएगी, इसी बोलते हैं डायरिसिस। दिक्कत माया कली मैं सिखा दिक्कत, आपका कब खत्म होना चाहिए था, हो गया 10 मिनट हो गया, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। 10 क्या 15 मिनट हो गया, है ना, चलो ठीक है, ठीक है, बस आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेशन करा देंगे, ओके। हाँ हमको हटा रही हैं, ओके। और सुनो कल एक चैप्टर आपको दे रहा हूँ, रिवाइज करके आइएगा। और कौन सा चैप्टर है? नर्वस सिस्टम, पीछे का, इसमें तो भी हुआ नहीं कुछ।